देख मेरे बेटो ये बस लेकर जाएगा कासनी लिए मौसी बेटा ने काट चाली बागन जान दिखाऊं तुम्हें देख ये हमारी कासनी है कटगी और मेरे बेटो लेकर जा रहे हो मौसी कासनी मेरे बेटो बहुत सियाणो है कि सारा काम कर दे है मेरा और ले जाकर उधर है गो जैसी भी तन खेल है ना उधर अरे ये आ रही है मेरी बेटी या चाय चढ़ाया इसे ही बैठ के ना दोनों बाण पीवांगा चाय बढ़िया वाली करीस चढ़ा के आयो से अख मौसी आई है अदरक गेर के चाय बनाऊँ मैं भाई ज़्यादा मत गेरिए तो फिर आपने भीतर दिखाऊंगी अब बेटा ने कैसी चाय बनाई है मेरे खतरा आज और बाप बेटा ले गया है भाई मिट्टी और मैं सोच रही हूँ तब तक अपना आगे का थोड़ी सी वॉकिंग कर रहा हूँ और फिर मैं लेके जाऊँगी। हेलो एवरीवन, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? और आ गए हैं खेत में और ले गए हैं मिट्टी तो उठा के ना तो सोची चलो खेत मानी घूमिया मेरी पीछे की साइड में देखो ये बड़ा बड़ा बथुआ का पेड़ खड़ा है ना अब ये सारा पेड़ कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड खेत खाली पड़े हैं और बस शाम के टाइम टैलेंट के लिए निकला था तो सोचा कि आपने भी दिखा दिया भाई हम थोड़ा सा घूम के आवा हाँ तो ये देखो। और भाई कई दिन हो गया था कि कोई व्लॉग नहीं डाल रहा था इस वजह से ना थोड़ा सा वो पशु बीमार हो रहा था तो वह काम में व्यस्त था और दीपावली वाले दिन ही मैंने एक व्लॉग डाला था क्योंकि दीपावली के बाद में फिर इतना व्यस्त होगा कि अकेलो इंसान रहो ना फिर काम भी सारा फिर खाना बनाना पूजा की तैयारी करनी तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो गया था तो उस वजह से मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पाई। कोई छोटी सी एक क्लिप निकाली थी जब मैं रात के 10:30 बजे फ्री हो गई थी उसके बाद तो वो मैं क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब आ गए हाँ भाई टहलते टहलते बहुत आगे और आगे का व्यू कुछ ऐसा है और बस सूरज भी अस्त वहन वालों से और एक भाई थोड़ा सा ना वेट बढ़ने की वजह से ना सांस बहुत जल्दी जल्दी फूलता है तो जो मैं आपके साथ वेट गेन करने की जो बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ मैं थोड़ा थोड़ा वो कर रही हूँ ये नहीं कि भाई एकदम से ही और उसमें मुझे फ़ायदा भी हुआ है 2-4 किलो का तो आगे देखते हैं कब तक कंटिन्यू कर पाती हूँ फिर उसके बाद मैं इस बारे में भी मैं आप लोगों के साथ में प्रॉपर वीडियो शेयर करूँगी। मार देखो कितना सुंदर रेत है बुड्डो बुड्डो मारे बोले बुड्डो बुड्डो खांड तो यहाँ से रेत ले जाओ सा हेल भर भर के पहले ये सब टिब्बा था तो ये सभी नदी का जो उधर बांध है वो बंद है जब ये इनकी मिट्टी खींच ली गई थी फिर भी ये बहुत ऊँचाई पर है टीला है तो ज़्यादातर फिर ऐसे ये कच्चा तगड़ा है फिर हम से ये जैसे सर लेके गए अभी रेत तो यहाँ से लेके जाऊँ इसी और मैं चल रही हूँ आगे खेत में क्योंकि मैंने थोड़ी सी गाय खातर कासनी लेके जानी है गाय की तबीयत है ख़राब तो इसमें लेके जाऊँगी क्योंकि बाइक पे जाऊँगी तो इसमें आसानी से पकड़ के ले जाऊँगी उसके लिए बस 2 बुकटी ले जानी है क्योंकि कल घास लेके गई दूब ली थी फिर दूब उसने खाई को ना 2 दिन हो गए वो कुछ भी मुँह में नहीं ले रही आज उसने थोड़ा सा पानी पिया है इस वजह से ना तो मेरा किसी काम में मन ना कोई व्लॉग डाला बस घूम फिर के कह रहे ना पशु आप ही ध्यान जाए इसे तो वही बात थी तो अब मैं थोड़ी सी कासनी काट के ले जाऊंगी उसके लिए खेत में आई थी और कई दिन हो गए थे सरसों बो रखी है मैं बस गाय की तबीयत बीच में ख़राब होना से और वो भी नहीं कर पाई। एक भाई कमेंट करके सब बताइयो हमारे यहाँ है ना वो पशुओं में बीमारी आ रही है गाय भैंसों में रोज़ दो चार गाय भैंस मर रही है पता नहीं क्या बीमारी है अपना आप ही खानो पीनो छोड़ दी सी और डॉक्टर भी बस अंदाजे से वैसे ही सुबह लगा के जाए से नहीं उन्हें बेरो ही कोने कि भैंसे में क्या बीमारी है या तो उस वजह से भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई अभी तो नई गाय खरीदी थी और ये क्या हो गया गाय भी क्या गौ माता बेचारी परेशान हो रही तुम्हारो भी जी दुख पा रहे हो से ना कुछ खा पी रही तो बस सब पहुंच गई हूँ खेत में और ये देखो मेरे दोनों साइड तार सी खंबा लग रहा सी और व्लॉग बनाने के लिए मन भी कर रहा था पर एक मन फिर नू करेगा रहने दे ना बनाऊँ मन थोड़ा सा उदास सा हो जाए इसे और मन एम कह रहे ना तो पशु बीमार हो तो एक जगह मन भी नहीं होता है तो बस कुछ ऐसा ही हो रहा है। नींबू का पेड़ है या ढाणी में ही रहा वैसे घूर है ये देखो कितना सुंदर सूट है ये आजकल मारे चल रहा है ये सूट बना डिजाइन और ये है भाई कासनी रखी है जैसे कासनी लेके जाऊंगी मेरी कासनी है छोटी तो इस वजह से मैं कासनी मेरी कट नहीं लगी सूट तो उरा से लेके जाऊंगी और इसने तो देखो काट के पहले ही कट लगा दिया ना लेके आया मैं एक माल तरह की ढूंढूं और यह है मारे भाई ये दरअसल है तो काटूंगी मैं थोड़ी सी कासनी और मेरे पीछे का व्यू दिखाऊं मैं अपना देखो कितना सुंदर मार किसाना का खेता मैंने फवारा चाली पानी देने के लिए और वो उधर वो पेड़ का डिजाइन देख रहे हो अब पता नहीं कैसा ही डिजाइन है और देखने में भी सुंदर लग रहा है और ये कच्चा तगड़ा है इधर और दीपावली के 2 दिन है ना मीठा खा के ना बहुत ही मन ऐसा हो गया मीठा मीठा नहीं जी वैसे मीठा के नाश्ते के लिए हमारे पास स्टॉक है ये चने का साग और साथ में ये अपना छोटा छोटा धनिया जो बाड़ी में उगा हुआ है छोटी छोटी मिक्स मिर्च है ये पालक और मेथी है तो ये तो शाम को पराठे में यूज करेंगे और साथ में है ये आंवले
जो रखे हैं, और ये हरी मिर्च तोड़ के अलग रख दी है। तो चलो पहले तो इन्हीं की चटनी बना लेते हैं और इनकी बनाएंगे अब चटनी। तैयारी पहले तो इनकी कटिंग कर लेते हैं फिर बनाते हैं। ओ ये क्या है, ये क्या है, ये किस चीज़ का फूल है, देखो कितना छोटा सा प्यारा सा फूल है जो इसमें एक्स्ट्रा हुआ है। और ये मिर्चें हैं तो ये मेरे को हटानी है वरना ये मिर्चें ना बहुत तीखी हैं, मुँह बिल्कुल जला देती हैं। ये ऐसे छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत तीखी मिर्चें हैं ये, तो इनको पहले हटा देती हूँ फिर मैं कटिंग करूँगी ये मिर्चों को हटाने के बाद में। चलो जी हो गई, एक और बच गई अभी। ये देखो कितनी मिर्चें आई, तीन तीन छः और एक सात सात मिर्चें निकली हैं इसमें, और एक और मिल गई है ये देखिए आठ आठ मिर्चें हो गई हैं अभी इनकी बना रहे हैं। आठ आठ एक और पा गई है ये देखो देखो ये छुपी हुई इसमें, ये हो गई नौ मिर्चें फिर भी है कुछ मिलेंगी। हाँ ये पता नहीं छुट्टी से उसमें दस मिर्चें हो गई हैं टोटल। अभी बनाते हैं अपनी चटनी और साथ में काटिए मैंने यमुन जुड़ा से लंदौर के लेके आए थे तो इनकी कटिंग कर दी है और ये बनेंगे करंजे बनाऊंगी और साथ में इधर चटनी बन रही है तो इनकी कटिंग कर दी है। अभी पहले चटनी बना के फिर मैं काटूंगी। ये देखो इसके अंदर ये क्या हो गया, ये खराब सा पता नहीं कटे हुए काफ़ी देर हो गई तब ऐसे हो गए या वैसे वैसे करंजे का कलर देख कितना प्यारा है ना लाइट पिंक डार्क पिंक। और चटनी पीस गई है अभी इसमें और इन्होंने काट ली है मिर्च और अभी इनमें मेरे पास दही नहीं था तो लस्सी मिला के पीसूँगी तो इस वजह से लस्सी की उससे मेरे को थोड़ा आइडिया भी नहीं था कि भाई कितनी डलेगी क्योंकि मैं हमेशा ही दही डाल के चटनी बनाऊं तो आज मैंने इसमें लस्सी डाल ली है तो बार बार एक एक चम्मच करके डाल रही हूँ लस्सी को कदे भाई ज़्यादा पतली चटनी हो जाए ना तो बस मैं इसकी इसी चम्मच का ही मेजरमेंट ले लेकर तब लस्सी डाल रही हूँ क्योंकि आज बच्चे खाएंगे चटनी लस्सी और रोटी मीठा तो खाएंगे नहीं। तो ये है अपने हरे धनिए की और चने के साग की बढ़िया सी सिलपट्टे की चटनी बनकर तैयार।